नमस्कार साथियों, हिज एक्सेलेंसी अब्दुल्ला साहिद जी, आपको अध्यक्ष पद संभालने की हार्दिक बधाई। आपका अध्यक्ष बनना सभी विकासशील देशों और विशेषकर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए बहुत गौरव की बात है। अध्यक्ष महोदय, गत डेढ़ वर्ष से पूरा विश्व 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का सामना कर रहा है। ऐसी भयंकर महामारी में जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का गौरव हासिल है। लोकतंत्र की हमारी हजारों वर्षों की महान परंपरा रही है। इस 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश किया है। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान है, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। सबसे लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर पिछले 7 साल से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे हेड ऑफ गवर्नमेंट की भूमिका में देशवासियों की सेवा करते हुए 20 साल हो रहे हैं और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड। अध्यक्ष महोदय, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। एकात्म मानव दर्शन यानी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अर्थात स्व से समष्टि तक विकास और विस्तार की सहयात्रा, एक्सपांशन ऑफ द सेल्फ, मूविंग फ्रॉम इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, द नेशन एंड एंटायर ह्यूमैनिटी। और ये चिंतन अंत्योदय को समर्पित है। अंत्योदय को आज की परिभाषा में वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड कहा जाता है। इसी भावना के साथ भारत आज इंटीग्रेटेड, इक्विटेबल डेवलपमेंट की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकास सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वव्यापी हो,
सर्वपोषक हो, यही हमारी प्राथमिकता है। बीते 7 वर्षों में भारत में 43 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है, जो अब तक इससे वंचित थे। आज 36 करोड़ से अधिक ऐसे लोगों को भी बीमा सुरक्षा कवच मिला है, जो पहले इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा देकर भारत ने उन्हें क्वालिटी हेल्थ सर्विस से जोड़ा है। भारत ने 3 करोड़ पक्के घर बनाकर बेघर यानी होमलेस परिवारों को होम ओनर्स बनाया है। अध्यक्ष महोदय, प्रदूषित पानी भारत ही नहीं पूरे विश्व और खासकर गरीब और विकासशील देशों की बहुत बड़ी समस्या है। भारत में इस चुनौती से निपटने के लिए हम 17 करोड़ से अधिक घरों तक पाइप से साफ पानी पहुंचाने का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। विश्व की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने ये माना है कि किसी भी देश के विकास के लिए वहां के नागरिकों के पास जमीन और घर के प्रॉपर्टी राइट्स यानी ओनरशिप का रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीनों और घरों के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। आज हम भारत के 6 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से मैपिंग कराकर करोड़ों लोगों को उनके घर और जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड देने में जुटे हैं। ये डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपर्टी पर विवाद कम करने के साथ ही एक्सेस टू क्रेडिट बैंक लोन तक लोगों की पहुंच बढ़ा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। When India grows, the world grows. When India reforms, the world transforms. भारत में हो रहे साइंस और टेक्नोलॉजी आधारित इनोवेशंस विश्व की बहुत मदद कर सकते हैं। हमारे टेक सॉल्यूशंस का स्केल और उनकी कम लागत दोनों अतुलनीय है। हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI आज भारत में हर महीने 350 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत का वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कोविन एक ही दिन में करोड़ों वैक्सीन डोज लगाने के लिए डिजिटल सपोर्ट दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, सेवा परमो धर्मः, सेवा परमो धर्मः को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में जी जान से जुटा है। मैं UNGA को यह जानकारी देना चाहता हूं
कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। एक और एमआरएनए वैक्सीन अपने डेवलपमेंट के आखिरी चरण में है। भारत के वैज्ञानिक कोरोना की एक नेजल वैक्सीन के निर्माण में भी जुटे हैं। मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देनी शुरू कर दी है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। अध्यक्ष महोदय, आज हम सब जानते हैं कि मानव जीवन में टेक्नोलॉजी का कितना महत्व है, लेकिन बदलते हुए विश्व में टेक्नोलॉजी विथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। भारतीय मूल के डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स किसी भी देश में रहें, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य उन्हें मानवता की सेवा में जुटे रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। और ये हमने इस कोरोना काल में भी देखा है। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने विश्व को यह भी सबक दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब और अधिक डाइवर्सिफाई किया जाए। इसके लिए ग्लोबल वैल्यू चेन्स का विस्तार आवश्यक है। हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान इसी भावना से प्रेरित है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन के लिए भारत विश्व का एक लोकतांत्रिक और भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है। और इस अभियान में भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को जवाब देना है कि जब फैसले लेने का समय था, तब जिन पर विश्व को दिशा देने का दायित्व था, वो क्या कर रहे थे। आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड रैशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकास का आधार बनाना ही होगा। साइंस बेस्ड अप्रोच को मजबूत करने के लिए भारत
एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। हमारे यहां स्कूलों में हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई हैं, इंक्यूबेटर्स बने हैं और एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हुआ है। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरिटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। मैं नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। शुभो कर्मपोथे, शुभो कर्मपोथे, धोरो निर्भयो गान, शोभ दुर्बल सौन्योश होक अभोषान। अर्थात अपने शुभ कर्म पथ पर निर्भीक होकर आगे बढ़ो, सभी दुर्बलताएं और शंकाएं समाप्त हो। ये संदेश आज के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही हर जिम्मेदार देश के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। मुझे विश्वास है हम सबका प्रयास विश्व में शांति और सौहार्द बढ़ाएगा, विश्व को स्वस्थ, सुरक्षित और समृद्ध बनाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।